हिंदू और हिंदुस्तान का जो लब्ध है, क्या इसके बगैर आपका काम नहीं चलता क्या भाई? आप हिंदू हैं क्या? मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। आप अपने को भी हिंदू बना रहे हैं, अपने दोस्तों को भी हिंदू बना देते हो। इस देश का नाम है भारत और अंग्रेजी में इसका नाम है इंडिया। मैं ये चाहूंगा आज के बाद में हिंदू हिंदुस्तान का लफ्ज न इस्तेमाल करें, वरना आप बहुत गलत कर रहे हैं। जब पांच पुलिस वाले मार रहे थे तो पुलिस वालों में एक गुस्सा देखो, आजादी चाहिए तुम्हें, आजादी चाहिए। उन पुलिस बेवकूफ नालायकों को, बेवकूफों को, मूर्खों को पता ही नहीं था कि आजादी किस बात की आजादी बोली। जब शाहीनबाग में आंदोलन उफान पर था तो हम लोग गए और जामिया से, जेनू से, शाहीनबाग से हम लोग जुड़े हैं। मैं जेनू का पढ़ा लिखा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं जुड़ा। लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत का दौर था तो मैंने कुछ नोटिस किया, वो बात मैं यहां भी बताना चाहता हूं। क्योंकि लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है, जीतने के लिए लड़ी जाती है। तो हमने कहा ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुला रहे हैं आप अपने मंच पर, सिनेमा वाले या सोशल एक्टिविस्ट या मीडिया वाले, आप इनको जरूर अपने इजलास को संबोधन के लिए बुलाएं। लेकिन यह भी ध्यान दें, ये लोग वोट नहीं दिलाते। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वोट से आई है और वोट से ही बाहर जाएगी। और समय मैंने बोला था कि गुर्जर समाज रहता है, जाट है, गुर्जर है, वाल्मीकि है, चमार है, खटीक है, मेघवाल, बैरवा, इन जातियों के छोटे बड़े नेताओं को भी बुलाओ। वो ध्यान नहीं दिया, आज वही गुर्जर और जाट इस्तेमाल हुए, क्योंकि यही लोग वोट दिलाते हैं। बंगाल में जाति के आधार पर इतना काम नहीं चलता, वैसे पूरे देश में जाते ही के आधार पर ज्यादातर वोट पड़ता है। और मार्केट से अगर इनको हटाना है, मार्केटी सरकार से हटाना है, तो उन जातियों को जोड़ना पड़ेगा जो जातियां बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ नहीं है। ये हमारा मुहिम होना चाहिए। दलित बहुत कम है बीजेपी के साथ, मुश्किल से 25% मैक्सिमम, वरना 12-13-14-15-20-25-30% से ज्यादा कभी दलितों ने वोट बीजेपी और आरएसएस को दिया नहीं। बैकवर्ड मेन रूप से देता है वोट, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो इन जातियों को जगह देना चाहिए। जो वोट नहीं दिला सकता है, लड़ाई सत्ता दो ही तरह से ली जाती है, बंदूक तलवार के नोक पर या तो वोट से। तो बंदूक उठा नहीं सकते, तलवार चला नहीं सकते, वोट से ही सत्ता लिया जा सकता। और सत्ता की वजह से CAA NRC आई है, और सत्ता से हटाना है तो वोट आपकी तरफ ज्यादा आना चाहिए। और वोट वही जातियां आपको दे सकती हैं जो मनवादी नहीं है, जो जातिवादी नहीं है, जो आरएसएस के नेचुरल अलाई नहीं है, दलित के नेचुरल अलाई नहीं है। ऐसे लोगों को ही पूरे देश में जोड़ करके इनको सत्ता से बाहर किया जा सकता है, वरना नहीं। मैं बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलता हूं, मैं पूरे देश के हिसाब से या नजरिए से अपनी बात को रखता हूं।
कि ब्राह्मण, राजपूत और बनिया बीजेपी को यही चलाते हैं। बैकोण वहां पर लगा हुआ है अपना टिकट वगैरह लेने के लिए, या धर्म के नाम पर हिंदू होने की वजह से, देवी देवताओं की वजह से, राम की वजह से। लेकिन यही तीन जातियां हैं, ये तीन जातियां कभी दलितों को वोट नहीं देंगे, मुसलमानों को वोट नहीं देंगे, बंगाल को छोड़ के मैं बता रहा हूं, ये कभी नहीं दे सकते। आपके दोस्त भी हो सकते हैं लेकिन आपको नहीं वोट देंगे। तो उन जातियों को बोलना पड़ेगा जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, उनके बगैर ये काम नहीं चलने वाला है। एक बात और मैंने नोट किया, हिंदू और हिंदुस्तान का जो लफ्ज है, क्या इसके बगैर आपका काम नहीं चलता क्या भाई? आप हिंदू हैं क्या? मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। आप अपने को भी हिंदू बना रहे हैं, अपने दोस्तों को भी हिंदू बना देते हो। इस देश का नाम है भारत और अंग्रेजी में इसका नाम है इंडिया। मैं ये चाहूंगा आज के बाद में हिंदू हिंदुस्तान का लफ्ज न इस्तेमाल करें, वरना आप बहुत गलत कर रहे हैं। संवैधानिक नाम यही तो चाहते थे आरएसएस और बीजेपी वाले, बट जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को पूरा करके 26 नवंबर 1949 में सौंपा, जिसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके 10-12 दिन के बाद आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला फूंका था और संविधान को भी जलाया था रामलीला मैदान दिल्ली में, कि इसमें हिंदूपन तो नजर आता नहीं, ये संविधान तो नकली संविधान है, और उस संविधान का बहिष्कार किया था। वो चाहते थे कि मनुस्मृति कानून लागू हो इस देश में, इस संविधान के खिलाफ थे। 52 साल तक खिलाफ थे, तिरंगा को नहीं माना। जब देखा कि अब सत्ता नहीं है, तब पीछे के दरवाजे से धोखे से कहा कि हम संविधान को मानते हैं, धोखे से मानते नहीं संविधान को, ताकि सत्ता हाथ में आ जाए। जब सत्ता हाथ में आ जाए तो वो संविधान को मिटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उस संविधान को खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले दलितों को आगे आना चाहिए। मैं बिहार में गया, भी 6 जनसभा किया। जब अखिलेश के भाई जाते हैं तो जवाब मिलता है, अरे भाई आप लोगों को तो पाकिस्तान भेजा जा रहा है, आप लड़ो हम क्यों लड़ेंगे। और यहां तक अफवाहें हैं कि अरे इनको जाने दो, ये जमीन तो तुम ही ले लोगे, ये मकान तो तुम ही ले लोगे, ऐसी जहरीली बातें करी गई हैं। पूरे देश में आप देख लो, मैं यहां का नहीं जानता हूं क्योंकि दलित चेतना यहां पर नहीं है। पूरे देश में इस लड़ाई को पहले नंबर पर मुस्लिम लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पर जो थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं वो दलित ही दे रहे हैं, बाकी साथ नहीं दे रहे। बाकी के नेता यहाँ है, बाकी के नेता यहाँ मंच पर आएंगे और उनका समाज उनके साथ नहीं आएगा, और उनका समाज देता है, उनकी जाति वोट देती है बीजेपी को, और आरएसएस के शाखा वो लोग चलाते हैं। अब जिसका चाहे उसका चक्कर लो, यही हो रहा। अभी एक नारा और लग रहा था, भुखमरी से आजादी, अत्याचार से आजादी, नारा ठीक है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा? अरे मुसलमान को इकट्ठा होकर के आजादी चाह रहे हैं, इसके ऊपर भी बड़ा गौर करने की जरूरत है। बंगाल की धरती पे ये नहीं होगा, लेकिन देश के जो दूसरे बड़े भाग हैं, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार है, और जब नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब
पांच पुलिस वाले मार रहे थे, तो पुलिस वालों में एक गुस्सा देखो, आजादी चाहिए तुम्हें, आजादी चाहिए। उन पुलिस बेवकूफ नालायकों को, बेवकूफों को, मूर्खों को पता ही नहीं था कि आजादी किस बात की आजादी बोल रहे। तो बड़ा इसमें बड़ा सावधानी से करना पड़ेगा।